नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दोपहर के वक्त जागीरपुरी में एक 15 साल की बच्ची का बाल विवाह दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला आयोग ने रुकवाया। लड़की की उम्र 15 साल तो लड़का 20 साल का था। ये शादी इंटर रिलीजियन हो रही थी। लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम था। बचपन में लड़की की माँ जब काम पर जाती थी तो मुस्लिम महिला के घर बच्ची को छोड़कर जाती थी। दरअसल दिल्ली महिला आयोग को 2 दिन पहले किसी 15 वर्षीय लड़की का निकाह करवाए जाने की तैयारी की सूचना मिली थी। सूचना देने वाले अज्ञात शख्स था और उसने जानकारी दी कि एक लड़की का निकाह करवाया जाएगा जो कि नाबालिग है। दिल्ली महिला आयोग ने बताया कि 2 दिन तक वहां पर गतिविधियों का जायजा लिया गया और खबर को सही पाया गया। आज वीरवार दोपहर 1 बजे लड़की का निकाह समारोह शुरू हुआ। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पुलिस टीम के साथ निकाह स्थल पर पहुंची और वहां पर बारात आ चुकी थी और दूल्हा लड़की का इंतजार कर रहा था। दूल्हे का नाम सलमान था जिसकी उम्र 20 साल है और राजीव कॉलोनी भलसवा जो कि जागीरपुरी के पास का ही एक एरिया है वहां का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस और महिला आयोग की टीम लड़की के घर पहुंची तो लड़की को निकाह के लिए इंतजार में पाया गया जिसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। लड़की की काउंसलिंग की गई तो लड़की ने कबूल किया कि उसकी उम्र 15 साल है और लड़की की माँ ने भी बताया कि लड़की की उम्र 15 साल है। पुलिस ने तुरंत बच्ची का विवाह रुकवा दिया और उसे कानून के बारे में समझाया गया। दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद लोगों को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई और आगे की कार्रवाई के लिए लड़की को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही दिल्ली महिला आयोग ने कहा कि बच्ची गरीब परिवार से है इसलिए बच्ची के पुनर्वास की काम भी दिल्ली महिला आयोग करेगा। इतनी जागरूकता के बाद भी आधुनिक काल में इस तरह से बाल विवाह का होना ये जाहिर करता है कि समाज में अभी भी इस मुद्दे को लेकर शिक्षा की जरूरत है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और पुलिस इसको लेकर क्या मामला दर्ज करेगी और सभी स्टेटमेंट के बाद ही साफ हो पाएगा। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक 15 साल की लड़की का निकाह कराया जा रहा था। जैसे ही हमें पता चला तो मैं और मेरी टीम वहां मौके पे पहुंचे और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हमने वो निकाह रुकवा दिया है। मुझे बहुत दुख होता है कि आज भी इस देश में, यहां तक कि देश की राजधानी तक में बच्चों के बाल विवाह कराए जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और ऐसे लोग जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस केस में भी मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करती हूं कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और साथ में जो लड़की है उसके पुनर्वास पे दिल्ली महिला आयोग काम करे।